Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCOM strategy to score distinction. क्या पढ़े, कैसे पढ़े और किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए TYBCOM के लिए सो दैट आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज मिल पाए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उन लोग को भी इस वीडियो से काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिले एंड दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर स्ट्रैटेजी टू स्कोर डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास बेसिकली इन दी TYBCOM. सो वॉट शुड बी अवर स्ट्रैटेजी, वो हम सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उस बेस के ऊपर आपकी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए. तो सबसे ऊपर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है जो हर कॉलेज में रहेंगे वो है इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड सब्जेक्ट है मार्केटिंग. सो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है. इफ़ यू वांट टू स्कोर डिस्टिंक्शन, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड परसेंटेज, यू शुड फोकस ऑन दिस टू सब्जेक्ट्स. बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट्स फोकस ऑन अकाउंट्स, दे प्रैक्टिस अकाउंट्स, दे टेक कोचिंग ऑफ अकाउंट्स, बट दे लेट गो दिस टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और उनके परसेंटेज जो है वो कम हो जाते हैं. और उसका एक ही रीज़न है कि वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करते हैं, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन हमें हमारी मेन स्ट्रैटेजी को ये रखना है कि हमें इन दो सब्जेक्ट्स को, इकोनॉमिक्स को और मार्केटिंग को, रूटीन बेस पे पढ़ना है. हमें इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, हमें इस सब्जेक्ट को रूटीन बेस पे ही पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं. हमने जो स्ट्रैटेजी FY और SY के लिए अपनाई है, वो स्ट्रैटेजी अगर आप TY में अपनाओगे तो वो वर्क नहीं करेगी, आपको काफ़ी कम परसेंटेज मिलेंगे. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग की जो प्रिपरेशंस है वो अभी से स्टार्ट करनी है. बिकॉज आप जितनी जल्दी इन दो सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस पढ़ के हो जाएगा और लास्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा सो दैट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मार्क्स इन दो सब्जेक्ट्स में मिल पाएंगे. तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अब आपके जो दो अकाउंट्स के ग्रुप है, जो आपके हर कॉलेजेस में अकाउंट्स के जो ग्रुप रहेंगे वो सेम रहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग. सो वी हैव टू अकाउंट्स दिस टाइम, बिकॉज वन अकाउंट विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दी SYBCOM मैनेजमेंट अकाउंट. तो अभी आपको सिर्फ दो अकाउंट्स पढ़ने हैं. तो दो अकाउंट अगर हम ध्यान से देखें तो इट्स विल कैरी 100 marks एंड 100 marks, दैट इज टोटल 200 marks. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करने हैं और उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली सॉल्व करना है. लेकिन इन अकाउंट्स ग्रुप में आप बहुत अच्छा प्रिपरेशंस कर पाते हो और इसमें से आपको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं. सो ये बेसिकली आपको इन दो सब्जेक्ट में ध्यान रखना है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हो, कोचिंग लेते हो और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हो. तो ये अकाउंट्स ग्रुप के जो दो सब्जेक्ट है वो आपके ऑटोमेटिकली पढ़ के हो जाते हैं और इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं. बिकॉज इफ यू सी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, वी गेट मोर मार्क्स सिंस इट्स ऑल रिलेटेड विद द जर्नल एंट्रीज, लेजर्स एंड अदर पोस्टिंग फैक्टर. सो ड्यू टू द पोस्टिंग वी गेट मोर मार्क्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट नॉर्मली व्हाट हैपन्स, वी आर गेटिंग मोर मार्क्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बट वी आर गेटिंग लेस मार्क्स इन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग. एंड अगर आपने इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में कम मार्क्स लिए और अकाउंट्स में ज़्यादा मार्क्स लिए तो उनका कुछ भी वेटेज बराबर नहीं हो पाता है और हमारे परसेंटेज कम हो जाते हैं. सो ये थे अपने अकाउंट्स ग्रुप के दो सब्जेक्ट. और जो दूसरे जो दो सब्जेक्ट है वो हर कॉलेजेस में अलग अलग होंगे. जैसे आपने कुछ अप्लाइड कंपोनेंट के जो सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें DIT है, टैक्स है, कंप्यूटर है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, मार्केटिंग रिसर्च है, परचेसिंग है, EMSS है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे. तो ये दो सब्जेक्ट्स आप अपने बेस पे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वो ले सकते हैं. टैक्सेशन काफ़ी ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर भी ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है. पहले के दो सब्जेक्ट है दैट इज टोटली प्रैक्टिकल एंड इफ यू टेक एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, इट इज ऑल्सो थियरी. तो आपको इसमें भी थियरी पढ़ना पड़ेगा अगर आप मार्केटिंग रिसर्च लेते हैं, एक्सपोर्ट मार्केटिंग लेते हैं.
अगर आप टैक्स और कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल चीज़ों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स मार्क्स मिल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। तो इस चैनल पे आपको TYBCOM से रिलेटेड सारे वीडियोस धीरे धीरे मिलते रहेंगे। और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट किया है, तो ये ग्रुप बिल्कुल भी फ्री है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल से रिलेटेड और बेसिक चीज़ों से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में आते रहेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एज ऑलवेज।